सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया हुआ है फ्रिज के लेकर कि फ्रिज में किस परसेंटेज पर करें कि ज़्यादा कूलिंग हो, या फिर कि ज़्यादा बर्फ़ जमे, या फिर फ्रिज को कितनी देर चलाए जिससे ज़्यादा कूलिंग होती है। तो फ्रिज को लेकर ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। कुछ बातें मैं फ्रिज के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ, जो भी मतलब एक नया फ्रिज लाना चाहता है। डीप फ्रिज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रखा हुआ है डीप फ्रिज। तो इसे कितने घंटे चलाना है, कितने परसेंटेज पर इस पर करना है, क्या इस फ्रिज में बर्फ़ भी जमाया जा सकता है, या केवल कूलिंग कूलिंग होती है, या फिर इस फ्रिज में दोनों काम हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का यही टॉपिक है फ्रिज को लेकर। तो जैसे आप सबको बताया, मैं एक छोटी सी किराना दुकान चलाता हूँ और इस दुकान के बारे में आप सबको नॉलेज देता रहता हूँ। तो अगर आप भी एक किराना दुकान या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन और आप सब देख रहे हैं अमन बिजनेस आइडिया। तो एक वीडियो मैंने फुल डिटेल में बनाई हुई है फ्रिज को लेकर कि कौन सा फ्रिज है, कितने रुपए का आता है। और तो मेरा ये 19,000 रुपये का फ्रिज आया था, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने परसेंटेज पर करनी चाहिए कि ज़्यादा कूलिंग हो, या फिर आपको बर्फ़ जमाना है तो ज़्यादा बर्फ़ हो। क्योंकि मेरा जो दोस्तों जो फ्रिज है, इसमें आप बर्फ़ भी जमा सकते हैं और इसमें कूलिंग भी कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहे इसमें आइसक्रीम वगैरह रखना है, और आइसक्रीम में जो होता है बर्फ़ ज़्यादा जमता है, तो उसमें जो है अगर आप आइसक्रीम रखना चाहते हैं अपने फ्रिज में, तो आपको बर्फ़ वाले पर ही करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्ट इजी, यानी कि इसमें बर्फ़ भी जमा सकते हैं और केवल कूलिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी टेम्परेचर का ऐसा नहीं कि आप इतना टेम्परेचर पर करें। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसमें केवल स्विच दिया गया है यहाँ पर। अगर आप इसमें फ्रिज में जो मतलब मेरे इसमें बर्फ़ भी जमाया जा सकता है, तो आप इसमें बर्फ़ जमाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीजिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर आप मिनिमम करना चाहते हैं यहाँ पर और मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम पर। लेकिन मैंने इसमें कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, मुझे इसे कूलिंग करना है केवल, ना कि मुझे इसमें बर्फ़ जमाना है। तो मैं इसे केवल यहाँ पर इसे मैक्सिमम पर ही रखता हूँ, कूलिंग के मैक्सिमम पर रखता हूँ। तो इस तरह का स्विच होता है मेरे इस फ्रिज में। और गोदरेज कंपनी का यहाँ पर ये फ्रिज है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और मैं इसे कितना देर चलाता हूँ जिससे इसमें कूलिंग अच्छे से हो जाए, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसे 24 घंटे चलाता हूँ अभी गर्मियों में फ़िलहाल, और कभी कभार के बंद करता हूँ मैं इसे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही पूरा दिन चलता है, तो पूरा दिन मतलब माल बिक जाता है सारा। फिर रात को मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, रात को फिर से मैं इसमें लगा देता हूँ और पूरी रात ये ठंडा हो जाता है, और इसके बाद पूरा दिन ये बिकता रहता है इस तरीके से। ये भरा हुआ है, रात को पूरा भर लेना है, सेट कर लेना है, और पूरा दिन आपके आराम से निकल जाएगा सारा। तो इस फ्रिज में दोनों काम हो सकते हैं। अगर आप बर्फ़ जमाना चाहते हैं तो केवल बर्फ़ ही जमता है, अगर आप इसमें कूलिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें कूलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये कूलिंग का जो सामान होता है सारा है, और यहाँ पर ये फ्रीजर का सामान, जैसे आइसक्रीम वगैरह, मीट वगैरह या सब्ज़ी वगैरह, देख सकते हैं आप इस तरीके से, इसमें दोनों काम होते हैं। तो मेरा केवल मेरा कोई भी बर्फ़ का काम नहीं है इसमें, कूलिंग का काम है, क्योंकि मैं इसमें पेप्सी वगैरह रखता हूँ। तो अगर आप आइसक्रीम वगैरह रखना चाहते हैं, तो आप आइसक्रीम भी रख सकते हैं, केवल आइसक्रीम ही रखनी पड़ेगी फिर आपको इसमें, ना कि कोल्ड ड्रिंक्स। अगर आप इसमें बर्फ़ जमाते हो, केवल आइसक्रीम ही रखनी पड़ेगी। अगर आप इसमें कूलिंग करना चाहते हो, तो केवल इसमें कूलिंग होगी और केवल आपको पेप्सी ही रखनी होगी। तो ये मतलब इसमें कोई भी टेम्परेचर का ऐसा नहीं है। तो इस भाई ने कमेंट किया था, तो इस पर वीडियो मैंने बना दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप कभी कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कोई और नई वीडियो में।